जी बताइए, मोदी सरकार की कांग्रेस सरकार, किसकी सरकार चाहिए? मोदी सरकार। आप लोगों को लगता है कि मोदी सरकार 5 सालों में बहुत अच्छा काम किए हैं? लगता है ऐसा? तो राहुल गांधी को मौका नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने तो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है तो 72,000 रुपया हम आप लोगों को देंगे। पप्पू बना रहा है, पप्पू ही रहेगा, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। मतलब 72,000 वो अपना घर से देंगे, कहाँ से देंगे? नहीं तो कोई भी सरकार आएगा तो कोई आपको लगता है कोई घर से देता है? नहीं, 72,000 देंगे पैसा नहीं, उससे देश की GDP पर कितना असर पड़ेगा? हम भिखमंगा नहीं, हम बनना चाहते हैं, कमा के खाना चाहते हैं, हमको काम देवे। मोदी जी आपको काम दिए हैं, रोजगार दिए हैं, रोजगार मिल रहा है, हर वादा पे सफल है। कोई भी सरकार हर वादा पे सफल रहती है? नहीं, जो जो कह के आए थे उसमें सफल नहीं है वो। उन्होंने कहा था सर्वप्रथम कि अगर हमको आप प्रधानमंत्री बनाते हैं तो हम राम मंदिर का निर्माण करवा देंगे। अब आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर का निर्माण मोदी जी नहीं, कोई भी सरकार तब तक के नहीं करवाएगी क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। या मोदी जी हो या राहुल जी हो, कोई भी सरकार, मतलब एक कमिटमेंट ही गलत किए थे उन्होंने। नहीं, कमिटमेंट गलत नहीं किए थे, ये नहीं जान रहे थे मोदी जी की ये राष्ट्रीय मुद्दा है या इसमें कोर्ट इन्वॉल्व होगा? नहीं, देखिए वो तो चुनाव का टाइम है सर, चुनाव के टाइम, मतलब फॉल्स कमिटमेंट था? नहीं, फॉल्स कमिटमेंट भी नहीं था। उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ पैसा देने का भी वादा आप लोग? नहीं, एक मौका दिया जाए मोदी बार, एक मौका मतलब और दिया जाए, मतलब कुछ भी अगर कमिटमेंट, मान लीजिए नोटबंदी से दिक्कत हुआ यहाँ में, नोटबंदी यहाँ सभी लोग सब्जी बेचने वाले हैं, पूछिए कि नोटबंदी से इनको क्या दिक्कत हुई? आम आदमी को नोटबंदी से क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। GST मुद्दा है, पूछिए सब्जी बेचने वाले हैं, इनको GST से क्या मतलब है? मतलब आप ये बताइए कि आपको लगता है कि 5 साल जो नरेंद्र मोदी रहे आपको क्या उपलब्धि मिली? बहुत अच्छा मिला, बहुत हर चीज में। ऐसा कोई काम बताए जो नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा रहा हो? नहीं, ऐसा कोई काम बताए जो सबसे अच्छा रहा हो? इधर आइए, सब कुछ किया, सब कुछ क्या किए हैं, सब कुछ थोड़ा बताइए। कोई ऐसा काम जो नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा रहा हो? GST जनता सुशासन से संतुष्ट है, जनता सुशासन से संतुष्ट है, करप्शन खत्म हुआ सबसे पहला बात। नहीं, यहाँ करप्शन तो राफेल घोटाला भी हुआ, करप्शन तो हर पार्टी में है। स्वच्छ भारत मिशन उनका बहुत अच्छा काम रहा, यही हम जानना चाह रहे थे, सबसे अच्छा काम कौन सा रहा? स्वच्छ भारत मिशन उनका बहुत अच्छा रहा, स्वच्छ भारत मिशन। आपका, आपके हिसाब से कौन सा काम? हम तो कहें, हमारे हिसाब से मोदी सरकार में भ्रष्टाचार, ये नहीं कहें कि एकदम नहीं है, है, लेकिन नाम मात्र है। कांग्रेस की सरकार में थी कि आओ लूटो खाओ, मतलब भ्रष्टाचार कम हुआ है। एक चांस और देना चाहते हैं मोदी को? जी आप लोग बताइए, एक मोदी जी को एक चांस और मिला चाहिए? हाँ हाँ, जी आप कहना चाहेंगे? मिलना चाहिए मोदी जी को, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपको लगता है कि राहुल गांधी से, मतलब नरेंद्र मोदी से ज्यादा युवा राहुल गांधी है, वो आपको नहीं लगता है कि ज्यादा आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? नहीं, सर, नरेंद्र मोदी आएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा काम नहीं होगा। चलिए इधर कुछ लोग आओ, हम इधर दुकानदार लोग हैं, इधर हम जानने की कोशिश करेंगे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे, किसकी सरकार होनी चाहिए? जी सर, हम नहीं कुछ कहना, नहीं, आपके हिसाब से 5 साल नरेंद्र मोदी रहे हैं, आप लोग को ऐसा सुविधा मिला है कि फिर 5 साल उनको मौका दीजिए? हाँ, ऐसा तो हुआ है, सबके दो दो कट्ठा जमीन दिया है, रोड पर रहने के लिए जगह दिया है, बाकी जो बारिश से आया उसको बसाया जा रहा है, और जो यहाँ पर है उसको खदेड़ा जा रहा है। यही सुविधा मिला है, मतलब आपके हिसाब से जो है सरकार के लिए सुविधा आप चाहती हैं? हाँ, वही सुविधा चाहते हैं कि यहाँ से खदेड़ा जाए बस। मतलब गरीबों को नहीं देखा गया है ये? अरे सब तो कहाँ, कौन देख रहा है? ना देखा वो देखा, ना ललुआ देखा, ना अलुआ देखा, ना नीतीश देखा, ना नीतीश देखा, सब तो देखा है, अपना आप देखा, मतलब हर सरकार धोखा दिया है, सब धोखा दिया, गरीबों का सरकार कोई नहीं, कोई सरकार नहीं है, जो भी देखा अपना पेट देखा, अपना सब्जी देखा, रोजी रोजगार देखा, या क्या देखा? अब इस दरमियान यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, नोटबंदी करो तब नोटबंदी करो, तब आलू बंद करो तो आलू बंद करो, तो राशन बंद करो, तो तेल बंद करो, मछली बंद करो, तो मछली बंद करो, औरत के किसी और मर्द के संगे ब्याह करा दो, ये कोई उपाय है?
तो आपको आपको लगता है कि इस परिस्थिति में किसको वोट देना चाहिए? किसी को नहीं दिया, नोटा दबाना चाहिए। हाँ हाँ, लोटा। हम लोग तो सोचते हैं कि झाड़ू से मारे उसको। देखिए जनता कितनी नाराज है, हर सरकार में जनता की कुछ उम्मीद बनाए हुए रहता है, जनता की कुछ हमको मिले, गरीबों को कुछ मिले। आपके हिसाब से दादी, आपके हिसाब से किसकी सरकार, मोदी जी की सरकार अच्छा था या अभी घर में बेटा पुतू तो अच्छे नहीं है तो नेता क्या अच्छा रहेगा जी? सोचिए ना, यहाँ का आदमी ही ठीक नहीं है, लोग हम नहीं ठीक है। आप कैसे ठीक नहीं है? आप तो ठीक है आपसे। चलिए हम इधर जानते हैं, कोई बने हुए कमाना खाना है ये हमको, मतलब कोई बने कोई आपको फर्क नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बैठेगा मैंने किसकी भी सरकार बने जनता को सरकार मिलने वाला है, ये कहना चाह रहे हैं? हमारा सब सरकार बने में खुश है, मतलब बस 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 कोई खुरपिया गाठी गाठी बनेगा, मतलब इतना दुखी है ना सरकार से कि कोई भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सरकार बनेगा हमारे कमाने है कोई फायदा नहीं है। चलिए क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए 2019? सरकार सरकार कोई बना, मेहनत डेली करना डेली खाना, आप लोग को कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार बन जाए तो हमको थोड़ी ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि 5 साल नरेंद्र मोदी का सरकार रहा है तो अच्छा काम हुआ, कुछ काम हुआ है? किया सही, मगर यही तो महंगाई बढ़ा दी, गरीब आदमी को मार दिया, गरीब आदमी मरा है, महंगाई बढ़ा दिया। देश अच्छा ये बताइए, देश हित में, देश हित में कुछ अच्छा काम किया मोदी? बहुत कुछ किया मोदी, मगर गरीब को भगा रहा, ये सोच रही है गरीब के ये तो भगा रहा, ये तो गरीब नाराज है, मतलब गरीब के लिए वो नहीं देख रहा है। तो ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं सुना कि घर में सबके घर में गैस चूल्हा भेजा गया, इंदिरा आवास दिया गया, सब कुछ दिए दिए, खाएंगे नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे बोलिए, कमाएंगे नहीं क्या खाएंगे? एक तरफ से असूल रहा था, क्या फायदा है देने, एक तरफ से दे रहे हैं एक तरफ से असूल रहे हैं, क्या फायदा? तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा, मतलब किसका सरकार? मोदी बनेगा, कोई सरकार बने कोई फायदा नहीं है, डेली कुएं खोदना डेली पानी पीना, मतलब आपके लिए किसी का भी सरकार है कोई फर्क नहीं। चलिए इधर हम लोग कुछ लोग जानना चाहेंगे जी, आप लोग बताना चाहेंगे 2019 में किसकी सरकार? हम लोग तो चाहेंगे कि बीजेपी ही आए, बीजेपी ही आए। आपको लगता है कि 5 साल जो गुजरा है उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया है? ऐसी कोई योजना बताइए जो बीजेपी ने आपको, कम से कम रात को 12 बजे रोड पर चल तो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, सड़क का व्यवस्था ठीक है, पानी ठीक है, बिजली ठीक है, घर घर करके किया मुकर के किया देगा, मूलभूत समस्याएं आपको मिली है? मतलब इस टर्म फिर 5 साल मोदी सरकार को मौका? हाँ, हम तो चाहेंगे। चलिए इधर कुछ लोग हैं जी, आप बताना चाहेंगे किसकी सरकार होनी चाहिए 2019 में? मोदी सरकार, मोदी सरकार ही, कांग्रेस सरकार बिल्कुल नहीं, नहीं।, नहीं। ऐसा नहीं लगता है राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? मोदी सरकार जो 5 वर्ष में कर दिए वो कोई सरकार अभी तक भारत में नहीं किए। कौन सा ऐसा काम आपको अच्छा लग गया मोदी सरकार का? बहुत अच्छा, उनको रीजन में जो पिछड़े हुए था हिंदुस्तान उसको ऊंचाई पर लाने के बुलंदी के काम किए हैं मोदी, मतलब विदेशों में बुलंदी के काम किए हैं। अच्छा, ये हमारा बहुत उनका स्वभाव पसंद पड़ा। अच्छा, मतलब आप अच्छा यहाँ के बारे में अगर हम बात करें, पटना क्षेत्र के जिस क्षेत्र में आप हैं, पटना शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद। आज तक शत्रुघ्न सिन्हा कभी घूमे कहीं पटना में क्या हो रहा है? ये बात आप कितना दिन में रोड पर कहीं बोर्ड पर उसका नाम है, नाम नहीं है, ये बात आप कितना दिन में जाने? 10 साल 2 बार आप मौका? हाँ, 2 बार जाने तो पहली ये बार, लेकिन बीजेपी के लेकर के दिए, बीजेपी को मतलब मोदी को देख के, मोदी को दिए शत्रुघ्न, मतलब उस समय भी आप लोग शत्रुघ्न सिन्हा शत्रुघ्न नहीं दिए, कोई सुविधा नहीं, मतलब शत्रुघ्न और अभी अपोजिशन में महागठबंधन तो एकदम नहीं, एकदम है ये नहीं है, उसको देंगे कहां से हम? अगर बीजेपी से रहते तो तब सोचना पड़ता, मतलब ये गलती पे भी सोच सकते थे जी। एक माता जी है सामने, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि इस बार जो है सरकार मोदी की बनती है कि कांग्रेस की? मोदी का बनता है पुलवा जब लालू का बनावल था तो टूट गया, रोज रोज गरीब आदमी भाग रहे, गरीब आदमी भाग रहे, कौन मोदी का देते है? मोदी का कौन देते, कौन सुख ने मोदी कोई काम अच्छा नहीं, सुख ने कौन सुख ने? तो क्या चाहते हैं कि फिर से आपको महा रास्ता मिल रहा है, न वृद्धा बेटी मिल रहा है, जब पुल है वो पुल टूट गया है,
कौची करती है यहाँ। तो आपको लगता है कि लालू जी का भी सरकार महागठबंधन की सरकार आए तो अच्छा अच्छा था वो कौची लालू जी का लालू जी के राज तो आप मोदी जी को नहीं किसी को नहीं दीजिएगा केकरो नहीं दीजिएगा। आप देख सकते हैं इतनी उदास जनता है यहाँ पे जो इतना भावुक है कि हम किसी को नहीं देंगे मतलब कोई सरकार आए कोई फर्क इन लोगों को नहीं पड़ने वाला है इतना दुखी है लोग। इन लोगों का कहना है कि हम लोग के साथ कोई भी सरकार आए कोई भी मदद नहीं करता है यही खुल के निकल के सामने आ रहा है। इधर हम लोग किनकी सरकार आप लोग देखना चाह रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी आपको लगता है कि आप लोग के लिए छोटे वर्ग व्यवसायियों के लिए नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है कांग्रेस को मौका एकदम नहीं देना चाहिए मुझे नहीं तबड़ा के देखा रहा जीतेगा तो कुछ दिखाएगा। इनका कहना है कि राहुल गांधी पहले ही तबड़ा के क्या आप भी दोबारा जरा पहले से ही तबड़ा के दिखा रहे जितना के बात लगे दोनों तबड़ा के दिखाएंगे। आप लोग को वादा किए हैं राहुल गांधी की हम आएंगे तो 72,000 नहीं चाहिए 72,000 नहीं चाहिए 72 के जगह जानते हैं कितना ले लेंगे दुगना ले लेंगे 72 के जगह पे दुगना ले लेंगे मतलब हर हाल में मोदी सरकार ऐसा कौन केंद्र में मोदी और यहाँ पे यहाँ किसी का रहे लेकिन केंद्र में मोदी मतलब यानी आप कैंडिडेट को नहीं मोदी को देख रहे हैं आप लोग को लगता है हाँ भ्रष्टाचार मुक्त मोदी। चलिए इधर कुछ लोग हैं युवा साथी हमारे आप किसको देखना चाहते हैं मोदी के मोदी राहुल गांधी नहीं? नहीं नहीं आप भी नहीं मोदी जी के मोदी जी केवल मोदी जी राहुल गांधी नहीं क्या मोदी है सही है मोदी मोदी जी मोदी मोदी जी आपको लगता है गरीबों के लिए सबसे अच्छा काम मोदी जी किए हैं एक नंबर जी सबसे कांग्रेस को एकदम मौका नहीं जी क्या कहना चाहेंगे आपको लगता है कि इस बार की जो सरकार है नरेंद्र मोदी इस बार के सरकार भी मोदी जी बनेंगे उनसे कहना है थोड़ा युवाओं के रोजगार पे ध्यान दे और फिर से अपने केंद्र में सरकार बनेगी मतलब ये मानने को तैयार है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किए इस बार ध्यान दें इस बार यही करेंगे हाँ इस बार करेंगे मतलब वो कुछ काम नहीं कुछ नहीं काम किए हैं नरेंद्र मोदी कोई काम कोई काम नहीं किए इस बार तो कांग्रेस को इंसाफ देना चाहिए कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए बिल्कुल क्योंकि जुमलेबाजी की सरकार है वो 3-3 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात करते हैं लेकिन आज तक किसी कुछ मिला ही नहीं गरीबों को कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला गरीबों के लिए कुछ नहीं काम करते हैं गरीब के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कोई काम नहीं जाने से फुर्सत ही नहीं है। इस बार राहुल को आप देखिए इस बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए चलिए इस बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए इनको 72,000 रुपया चाहिए इस बार 72,000 नहीं मेरे काम वो बिल्कुल सही कर रहे हैं अच्छा करें बिल्कुल। चलिए इधर हम चलते हैं इधर इधर आप बताना चाहेंगे किसकी सरकार 2019 में होनी चाहिए नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी की बिल्कुल नहीं राहुल गांधी को मौका एकदम नहीं देना चाह रहे हैं एकदम नहीं होना चाहिए नरेंद्र मोदी होना चाहिए नरेंद्र मोदी को जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार 2019 की सरकार मोदी जी को आना चाहिए मोदी जी को आना चाहिए फिर से आपको नहीं ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा युवा है युवा तो है लेकिन देश का विकास नहीं कर सकते हैं महुआ है और क्या है मतलब कोई काम नहीं युवा है लेकिन देश का विकास वो नहीं कर सकते वो कहते हैं कि 370 हटाएंगे मोदी कहते हैं वो कहते रखेंगे मोदी कहते हैं कि हटाएंगे हाँ आपको लगता है 370 धारा हटना चाहिए मतलब मोदी की सरकार इस बार भी आनी चाहिए ऐसी कौन सी काम मोदी की सबसे अच्छी आपको लगी है ऐसी कौन सी काम मोदी की सबसे अच्छी रही है मोदी का काम हो गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला हो गया सड़क भी बन रहा है विकास भी हो रहा है सफाई भी हो रहा है मतलब संतुष्ट है आप सभी मोदी की सरकार ये क्या लगता है आप लोग को क्या लगता है कि इस बार मोदी जी की सरकार बनना चाहिए या कांग्रेस की राहुल गांधी की सरकार बनना चाहिए मोदी सरकार आपको लगता है सबसे अच्छा काम मोदी जी किए हैं 5 साल में एक बार और मौका मिलना चाहिए एक बार 5 साल एक बार क्या 15 साल अभी मोदी रहेगा ऐसा लगता है कि 15 साल और रहेंगे ऐसी कौन सी काम उनकी भाग गई जो आप इतना उनके प्रति देखिए यहाँ तो लूटपाट बहुत होता था यहाँ लूटपाट नहीं हो रहा किसी तरह का रंगदारी नहीं हो रहा कहीं से भी कोई आ जाता है रात में चाहे दिन में उसका कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं विधि व्यवस्था सबसे ज्यादा अच्छा हुआ है जी आप कुछ कहना चाहेंगे 2019 में यहाँ किसकी सरकार बननी चाहिए हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी इसमें कोई संदेह नहीं राहुल गांधी की बिल्कुल नहीं राहुल गांधी का हो सकता है कि 70 से 80 सीट आते आते ही हो मतलब राहुल गांधी की सरकार ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो काम अच्छा करेंगे
नहीं, राहुल गांधी आएंगे तो काम अच्छा करेंगे। राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, अभी अभी परिपक्वता परिपक्वता नहीं है, और मोदी एक परिपक्व नेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मोदी माने बाहर जाकर के भारत का रुतबा कुछ बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। भारत आज माने विकसित देश की श्रेणी में आने, मतलब मोदी जी से आप संतुष्ट है, एक बार एक मौका और देना चाहते हैं? मोदी जी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश का सम्मान को बहुत आगे बढ़ाएगा, यह माने संदेह इसमें है ही नहीं, संदेह नहीं है। मोदी सरकार को एक बार चांस मिला। एक बार यहाँ की कैंडिडेट के बारे में अगर हम बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा अच्छे हैं, रविशंकर प्रसाद नहीं? वो नहीं, रविशंकर प्रसाद तो खड़े हैं, हम यहाँ का नेता मैंने के बारे में नहीं कह सकता। मैं गया से बिलोंग करता हूँ और ऐसे गया मैंने भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन भाजपा इस साल दोनों ऐसे मैंने जदयू का वहाँ दिया गया, जदयू का दिया गया, वहाँ भी विजय मांझी जैसे डंका चोट पर जीत रहा है। वो वोट नीतीश कुमार को नहीं, नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। नीतीश कुमार में कोई ऐसी गरिमा नहीं है जो मैंने वोट दिया। आपको लगता है यहाँ जो दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों नेम फेम वाले हैं? रविशंकर प्रसाद को आप जानते हैं, गया रहते हैं, लेकिन जानते हैं आप, मंत्री भी रह चुके हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म स्टार शॉर्ट गन, तो उनको आप खामोश करेंगे इस बार? हाँ हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे इस बार मैंने हार जाएंगे, एकदम खामोश रहेंगे, जनता खामोश कर दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताइए किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? एक बार मोदी सरकार एक बार बननी चाहिए। राहुल को बिल्कुल मौका नहीं? नहीं सर, मतलब थोड़ा भी विश्वास भरोसा नहीं? कोई विश्वास नहीं। चलिए, इधर हम लेते हैं जी। माता जी, ये बताइए, राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए या नरेंद्र मोदी की सरकार? उसकी सरकार हम तो मोदी में है, ये है मोदी में है, ये है। आपको लगता है कि मोदी ने आप लोग के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए अच्छा काम किया है? 50 साल से खटल करे काहे है, सब्जी बेचते कह रहे हैं कि अभी हम झोपड़ी में रहा ही, ओकरा ना सोचना चाहिए। 1 किलो सेब लेके राम पर सर अलग का, मतलब किसको फिर वोट देना चाहेंगे? हम कोई तरह दे दिया। देखिए, हकीकत यही है कि जनता इतनी दुखी है, इन लोगों का कहना है कि कोई सरकार आ जाए, हम लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग गरीब हैं और रोज बेचेंगे, रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे। ये है जमीनी हकीकत, जमीनी हकीकत से आप रूबरू हो रहे हैं। यहाँ जनता, जो जेन्युइन जनता है, वो यही सोचती है कि जनता हमारे लिए कोई काम नहीं हो रही है, जो भी काम हो रही है ऐसे ही हो रही है जी। सब कोई मोदी को मौका मिलना चाहिए एक बार ना। क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए 2019 में? महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। महागठबंधन, राहुल गांधी और अन्य सभी, राहुल महागठबंधन जितने सभी की सरकार बननी चाहिए। मतलब क्या लग रहा है, 5 साल जो सरकार चला है, आप ठगे हुए? जनता को ठग रही है। ऐसा कौन सा काम जिसमें लगा कि आपको? बहुत तो जनता को ठग रही है, सारी योजनाएं गलत है। वो खाली ढकोसला है, दिखावा है, छलावा है, एकदम बिल्कुल छलावा है। मतलब सबको कहना चाहेंगे फंसना नहीं है? नहीं, फंसना नहीं है, वोट देना है सजा होकर। आपके हिसाब से कौन आएगा तो ज्यादा अच्छा काम आएगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, राजद आएगा तो ठीक रहेगा। राजद राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की मतलब जो जिसमें है, यानी महागठबंधन में है, महागठबंधन में जो है। फिर एक बार लालू यादव का पावर देखना चाहते हैं जो लोग भूल चुके हैं? हाँ, दिखाना चाहते हैं क्या पावर था। पावर सही, पहले वाली बात नहीं है, बहुत सुधार हो गया। पहले वाली बात नहीं है, सुधार हो गया बहुत। अभी युवराज के हाथ में सरकार है, इसलिए यही तो हम कर रहे हैं। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, मतलब राहुल गांधी की सरकार आए, लालू यादव जिसमें शामिल है वो सरकार आए, आप उसमें संतुष्ट है। नरेंद्र मोदी की सरकार ठगने की काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे थे पटना राजेंद्र नगर से, सब्जी मंडी से, जमीनी हकीकत। यहाँ की जनता आखिर में किसकी सरकार देखना चाहती है, आप लोग सभी के राय सुने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, बने रहें अपना लाइव.न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।